चेन्नई सुपर किंग की टीम ने यूनाइटेड अरब अमीरात रवाना होने से पहले करीब 5 दिन चेन्नई के चेपक स्टेडियम में ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लिया। सीएसके उन चंद फ्रेंचाइजी टीम में से एक है जिसने यूएई रवाना होने से पहले ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज किया। सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन ने बताया कि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के कहने पर ही ये ट्रेनिंग कैंप कराया गया, जो नहीं चाहते थे कि खिलाड़ी सीधा यूएई के लिए रवाना हो जाएं। सीएसके के खिलाड़ी 14 अगस्त को चेन्नई पहुंचे और 15 से 20 अगस्त तक ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लिया। सीएसके की टीम 21 अगस्त को चेन्नई से दुबई के लिए रवाना हुई थी। सीएसके सीईओ ने बताया कि ये ट्रेनिंग कैंप धोनी की वजह से ही संभव हो सका। उन्होंने कहा, जब हमने घोषणा की कि टूर्नामेंट खेला जाएगा, वायु बबल बनाना था और इसको लेकर कैंप की बातें भी हो रही थी। मैंने इसको लेकर उन्हें मैसेज भी किया था कि क्या दुबई रवाना होने से पहले 5 दिन का ट्रेनिंग कैंप संभव हो पाएगा, लेकिन कप्तान अपने दिमाग में बिल्कुल साफ थे। उन्होंने कहा, सर हम लोग करीब 4-5 महीने से नहीं खेले हैं, हम सभी को चेन्नई में मिलना चाहिए। हमें चेन्नई में वायु बबल में रहना होगा, जिससे जब हम दुबई पहुंचे तो हम इसके आदि हो चुके हों। धोनी ने ट्रेनिंग कैंप के दौरान अपने ट्रेडमार्क बड़े बड़े शॉट खेले। उन्होंने आगे कहा, इससे मुझे खिलाड़ियों को शेप में लाने में मदद मिली। इस कैंप से हमें काफी मदद मिली। मैं खुश हूं कि ये कैंप ऑर्गेनाइज कर सके। धोनी की कप्तानी में सीएसके ने 3 आईपीएल खिताब जीते हैं। पिछले साल सीएसके की टीम उप विजेता भी रही थी। अब इस साल के आईपीएल में क्या धमाल होने वाला है, ये तो आपको 19 सितंबर को ही पता चलेगा। खैर, आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स पर मेंशन करना ना भूलें। LD न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।